Hello ideas, today we are going to study the first chapter of our science book. The chapter's name is Living and Non-Living Things. We see many things around us. हम लोग अपने आसपास बहुत सारे तरह की चीजें देखते हैं. Some move on their own, while others need something to move them. कुछ चीजें जो है वो खुद से move कर पाती हैं, लेकिन कुछ चीजों को दूसरे चीजों की जरूरत होती है मूव कराने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अ कॉकरोच एंड अ टाइगर मूव ऑन देयर ओन, बट अ टेबल एंड अ चेयर मूव ओनली व्हेन यू पुश और पुल देम. एग्जाम्पल में जैसे देखो आप लोग की कॉकरोच है, टाइगर है या कोई भी लिविंग थिंग है, वो खुद से मूव कर सकते हैं, लेकिन एक टेबल है और या चेयर है, उसको अगर हम लोगों को मूव कराना है तो हम लोगों को उसे या तो पुश करना होगा या तो पुल करना होगा. So we can divide things around us into two groups. तो हम लोग अपने आस पास की चीज़ों को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे पहला ग्रुप लिविंग थिंग्स एंड दूसरा ग्रुप नॉन लिविंग थिंग्स. प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं. अब जैसे चेयर है, टेबल है, रॉक है, सैंड है, हिल्स है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. अब देखो हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ. लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है. दे ग्रो, ब्रीथ, मूव, फील, रिप्रोड्यूस एंड नीड वाटर एंड फूड टू स्टे अलाइव. देखो लिविंग थिंग ग्रो भी करते हैं, लिविंग थिंग सांस भी लेते हैं, लिविंग थिंग मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग फील करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, और लिविंग थिंग्स को वाटर एंड खाने की, मतलब वाटर एंड फूड की ज़रूरत भी होती है जीवित रहने के लिए. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स आर लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है एंड रेप्टाइल्स है, ये सारे क्या है? लिविंग थिंग्स है. देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में ऐसे कई फीचर्स हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाते हैं. These are called characteristic of living things. ये सारे क्या कहलाते हैं? Living things के characteristic कहलाते हैं. Non-living things do not possess these characteristics. Non-living things में ये सारे characteristic नहीं होते. These characteristic make living things different from non-living things. ये सारे जो characteristic है, यही सारे characteristic living things को non-living things से different बनाते हैं. अब हम लोग देखते हैं living things move. Living things कैसे मूव करते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट ऑफ वन काइंड और अनदर. सारे लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, एक जैसा या अलग अलग. ऑल लिविंग थिंग्स हैव इंटरनल मूवमेंट. अब देखो ये यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि हर लिविंग थिंग्स में इंटरनल मूवमेंट होते हैं, ठीक है? विच मीन्स दैट दे हैव द एबिलिटी ऑफ मूविंग सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू अनदर. इट मीन्स कि उनकी उनकी बॉडी में ये एबिलिटी होता है कि वो अपने बॉडी के अंदर एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके या पहुंच जाए वो, ठीक है? सम लिविंग थिंग्स शो एक्सटर्नल मूवमेंट एज वेल. अब देखो कुछ लिविंग थिंग्स जो है ना वो एक्सटर्नल मूवमेंट भी शो करते हैं. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बाय वॉकिंग, फ्लाइंग और स्विमिंग. वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. अब या तो चल के जाए, या तो उड़ कर जाए, या तो तैर कर जाए. मीन्स बाय वॉकिंग, बाय फ्लाइंग और बाय स्विमिंग. बट वो मूवमेंट शो करते हैं. सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट शोज मूवमेंट ऑन टचिंग एंड सन फ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स द सन. अब कुछ प्लांट्स जो है वो जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है, वो मूवमेंट शो करते हैं. अगर आप उनको टच करोगे तो दे विल शो मूवमेंट, ओके? अब वैसे ही सनफ्लावर सन के तरफ टर्न हो जाते हैं, मतलब सन के तरफ घूम जाते हैं. तो ये सारे डिफरेंट काइंड के मूवमेंट हैं. अब देखो लिविंग थिंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. खाना खाएंगे तो एनर्जी आएगी, तो हम लोग ग्रो करेंगे ना. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम. फूड क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है. सम एनिमल्स लाइक गोट, रैबिट एंड काउज ईट प्लांट. कुछ कुछ एनिमल्स जैसे कि बकरी है, खरगोश है, गाय है, ये सब प्लांट्स खाते हैं.
लेकिन कुछ एनिमल जैसे टाइगर है, लायन है, जैकल है, ये सब क्या खाते हैं ना, दूसरे जानवर का मांस खाते हैं। ओके, अब देखो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक बियर्स एंड स्क्वायरल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। तीन तरह के जानवर हैं, पहले जो केवल प्लांट्स खाए, दूसरे जो केवल दूसरे जानवर का मांस खाए, और तीसरे जो कि दोनों खाए, प्लांट भी खाए और दूसरे जानवर का मांस भी खाए, मतलब एनिमल्स लेस। ओके, वाइल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब देखो एनिमल्स तो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड कर ही रहा है ना अपने खाने के लिए, लेकिन वही दूसरी ओर प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, चेयर एक्सेट्रा नाइदर प्रिपेयर फूड नॉर डू दे नीड इट टू लिव। अब नॉन लिविंग थिंग्स ना तो अपना खाना बनाते हैं और ना ही उनको खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई वो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनमें तो जान ही नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो। लुक एट योर फोटोग्राफ व्हेन यू वेयर 1 year old and 6 year old। अपनी आज मम्मा को बोलना कि मम्मा मेरी 1 year old वाली फोटोग्राफ निकाल दो, ठीक है? तो आप देखना आप अभी कितने डिफरेंट लग रहे हो और आप उस टाइम कितने डिफरेंट दिखते थे। कंपेयर दीज फोटोग्राफ्स टू योर सेल्फ टूडे और फिर कंपेयर करना, डू यू लुक डिफरेंट, आप लोग डिफरेंट दिखे? यस, यू लुक डिफरेंट फ्रॉम बोथ दी फोटोग्राफ्स। दिस इज बिकॉज यू हैव ग्रोन अप। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो आप लोग बड़े हो गए। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। दिस मीन्स दैट दे इंक्रीज इन साइज। इसका मतलब ये है कि वो साइज में इंक्रीज करते हैं। दे ग्रो टॉलर एंड वाइडर, वो लंबे भी होते हैं, चौड़े भी होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड ग्रोज इन टू एन एडल्ट, एक बच्चा एक एडल्ट में ग्रो कर जाता है। ओके, अ सीड ग्रोज इन टू अ न्यू बेबी प्लांट, सॉरी नॉट बेबी प्लांट, इट्स ओनली प्लांट। अ सीड ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट एंड अ प्लांट ग्रोज इन टू अ बिग प्लांट और अ ट्री। एक सीड यानी के बीज एक प्लांट में ग्रो करता है और फिर प्लांट किस में, बड़े ट्री में ग्रो कर जाता है ना। अब देखो, हैव यू एवर सीन योर साइकिल और शूज ग्रोइंग? आप अपने साइकिल या शूज को बढ़ते देखे हो? नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते, दे डू नॉट ग्रो इन साइज, साइज में वो ग्रो नहीं करते हैं। अब देखो हम लोग आगे पढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं लिविंग थिंग्स फील। ओके, हाउ डू यू फील व्हेन यू फील हॉट? जब हम लोगों को गर्मी लगती है तो हम लोगों को कैसा फील होता है? यू स्विच ऑन द फैन एज यू फील हॉट एंड वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर एज यू फील कोल्ड, सॉरी एज यू फील कोल्ड। ऑल ऑफ अस हैव फीलिंग्स। अब देखो हम लोगों को जैसे गर्मी लगती है हम लोग फैन ऑन कर लेते हैं, जैसे थोड़ा ठंड लगता है हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहन लेते हैं ना। हम लोगों को सभी को फीलिंग्स होती है, इवन एनिमल्स हैव फीलिंग्स, एनिमल्स को भी फीलिंग्स होती है। इफ यू थ्रो अ स्टोन एट अ डॉग इट विल बार्क एट यू, अगर आप पत्थर फेंकोगे डॉगी पे तो वो आप पे भौंकेंगे। वाइल इफ यू गिव मिल्क टू अ कैट इट विल वैग इट्स टेल। अब वही दूसरी ओर अगर हम लोग एक बिल्ली को दूध देंगे पीने के लिए तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगती है। इवन प्लांट्स फील, प्लांट्स की भी फीलिंग्स होती है। एज वी सॉ अर्लियर द प्लांट कॉल्ड टच मी नॉट क्लोजेस इट्स लीव, ऑल थिंग्स कैन फील। हम लोग देखें ना पीछे में कि टच मी नॉट प्लांट जो है वो अपने पत्ते को बंद कर लेते हैं जब हम लोग उनको छूने जाते हैं, तो इसी से हम लोगों को पता चलता है कि ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, सभी लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग। उसी तरह दूसरी ओर देखो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स अपने आजू बाजू में जो चेंज होता है उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है? दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट सेंस और फील एनी चेंजेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आसपास के चेंज को
फील नहीं कर सकते, फील या सेंस नहीं कर सकते। ओके, अब आगे देखते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीद, ह्यूमन बींग कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग। ह्यूमन बींग तो सांस लिए बिना जीवित ही नहीं रह सकते। इन द सेम वे अ फिश ब्रीद थ्रू इट्स गिल्स। फिश कैसे ब्रीद करती है? अपने गिल्स से। गिल्स क्या है? एक स्पेशल ऑर्गन है फिशेस में पाए जाते हैं, जो कि उनको ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ह्यूमन बींग्स ब्रीद थ्रू देयर नोज। ह्यूमन बींग्स कैसे ब्रीद करते हैं? अपने नोज से। फ्रॉग ब्रीद थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स। फ्रॉग को ना स्किन, फ्रॉग स्किन से भी सांस ले पाते हैं और लंग से भी सांस ले पाते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीद थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बॉडी। इंसेक्ट यानी कीड़े मकौड़े के बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो लोग उससे ही सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीद थ्रू स्टोमाटा। प्लांट्स कैसे ब्रीद करते हैं? स्टोमाटा से। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद। नॉन लिविंग थिंग्स तो सांस ही नहीं लेते। अब देखो, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसा ही नया इंडिविजुअल बनाना को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, बाय लेइंग एग और बाय प्रोड्यूसिंग सीड। अब देखो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब चाहे तो कोई ऑर्गेनिज्म किसी बेबी को जन्म दे या फिर एग दे, अंडा दे, है ना, जैसे कीड़े मकौड़े देते हैं, और या तो कोई ऑर्गेनिज्म सीड प्रोड्यूस करे। प्लांट्स तो सीड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये वही एग्जांपल है। अ वुमन गिव बर्थ टू अ बेबी। एक वुमन क्या है, एक बेबी को बर्थ देती है, मतलब एक बच्चे को जन्म देती है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट क्या करता है? सीड प्रोड्यूस करता है ना, फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज, जिससे कि नया प्लांट अराइज होता है, नया प्लांट उगता है। हैव यू एवर सीन अ टेबल गिविंग राइज टू अ न्यू बेबी टेबल। अपने टेबल को देखा है आपने कि आपके टेबल, आपका टेबल एक नया बेबी टेबल बना रहा है? ऐसा नहीं होता। नो, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, अब देखो, लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। लिविंग थिंग्स में लाइफ साइकिल होते हैं। लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, दे ग्रो अप, रिप्रोड्यूस एंड डाई। लिविंग थिंग्स का जन्म होता है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर वो मर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। इसको हम लोग एक लाइफ साइकिल कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबका एक लाइफ साइकिल है। मॉस्क्यूटो एग हैच इनटू लार्वा। मॉस्क्यूटो का एग किस में हैच होता है? लार्वा में। फिर लार्वा किस में बनता है? लार्वा ग्रोज इनटू प्यूपी। प्यूपी में बनता है, ओके, एंड फाइनली इनटू मॉस्क्यूटो, एंड देन वो मॉस्क्यूटो बन जाता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्क्यूटो। तो ये एक लाइफ साइकिल था मॉस्क्यूटो का। यहाँ पे देखो, ये बताया हुआ है ना, ये लार्वा है, लार्वा से प्यूपे, फिर प्यूपे से क्या, एडल्ट मॉस्क्यूटो, एंड ये एडल्ट मॉस्क्यूटो अगेन एग देगी, है ना। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस है, साइकिल चलते जाएगा। ओके, नो नॉन लिविंग थिंग्स, सॉरी नो नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ लाइफ साइकिल। नॉन लिविंग थिंग्स को लाइफ साइकिल नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स में तो जान ही नहीं है ना, तो लाइफ साइकिल कहाँ से होगा। चलो अब आगे देखते हैं। लिविंग थिंग्स डाई। ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग डाई समडे। जितने भी थिंग्स है जो कि आज जिंदा है वो एक दिन मरेंगे। इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स का क्या है, लाइफ स्पैन फिक्स है, मतलब उनका जो डेज है अर्थ पे कि वो इतने दिन इतने टाइम अर्थ पर रहेंगे, वो फिक्स है। लिविंग थिंग्स दैट आर नो मोर अलाइव आर कॉल्ड डेड। ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि अब जिंदा नहीं है उनको हम लोग डेड बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई बिकॉज दे वेयर नेवर अलाइव। नॉन लिविंग थिंग्स कभी मर ही नहीं सकते क्योंकि वो कभी जीवित ही नहीं थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स।
लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कुछ मटेरियल से बने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल इज मेड अप ऑफ स्किन बोन्स फ्लेश एंड ऑर्गन्स. एग्जाम्पल में देखो कि लिविंग थिंग्स का जो बॉडी है वो स्किन से बना है, बोन्स से बना है, फ्लेश से बना है, ऑर्गन से बना है. अ पेन और अ प्लेट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल. अब दूसरी ओर देखो, पेन है या प्लेट है ये किस चीज से बना है? मेटल से बना है, प्लास्टिक से बना है. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में ही वजन होता है और दोनों ही जगह लेते हैं. मतलब अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स को कहीं पर रखते हैं तो वो जगह तो लेता है ना. अगर आप एक पेन को बेड पर रख दिए तो पेन कुछ तो जगह लेगा ना बेड का. वही बात बोल रहा है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल अ डॉग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट. डॉग ऑक्यूपाई करता है स्पेस और डॉग में वेट भी होता है. अ टेबल ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट. टेबल भी स्पेस लेता है और टेबल का भी वेट होता है. ठीक है, तो चलो बच्चे लोग, आपका चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर. एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करना.